हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पेपर हैकर में। मैं हूं अवधेश कुमार, आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। देखिए, ये क्वेश्चन और कितने टाइप से आ सकता है, जरा देखिए। अगर हम बात करें यहां पर, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इसको कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी एग्जाम में दे दिया जाता है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में हर हाल में ही आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम उस जिसका स्ट्रक्चर का स्टडी करने जा रहे हैं उसका पहला पॉइंट होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, ग्लिसरॉल का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला यह है, या फिर एक लाइन यूज की जाती है जिसको स्टैंडर्ड लाइन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंटल एनालिसिस, जो एलिमेंट की एनालिसिस है, एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, ये इंडिकेट करता है कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, और जो भी मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है उसको लिख देंगे। यानी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3H8O3 है। एक तो डायरेक्ट लाइन ये लिखी जा सकती है कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8O3 है, या फिर आप एक लाइन ये लिख सकते हो कि एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन ये इंडिकेट करता है या शो करता है कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3H8O3 है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, उनके लिए क्या लाइन होगी, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन इंडिकेट्स दैट इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C3H8O3। ओके, ये पहला हेडिंग होता है हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला का। किसी का भी हमें स्ट्रक्चर करना हो तो पहला जो हमारा हेडिंग होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला ही होगा। क्लियर है? अब जरा देखिए नेक्स्ट, जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कैसा नेचर है, उस नेचर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है हमारा फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका कैसा नेचर है, क्या वो एल्कोहलिक नेचर शो कर रही है या एसिडिक शो कर रही है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जरा देखिए, ग्लिसरॉल के ऑक्सीजन जो होते हैं, जितने भी ऑक्सीजन है ग्लिसरॉल में, वो कैसे नेचर के होते हैं, सारे के सारे एल्कोहलिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एल्कोहलिक नेचर के। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि जितने भी ऑक्सीजन है इसमें, सारे के सारे किस नेचर के हैं, एल्कोहलिक नेचर के हैं। अब एल्कोहलिक नेचर का मतलब सीधा है कि उनमें OH नेचर होगा, ये वाला होगा एल्कोहलिक में। अब क्या होता है, एल्कोहल जो होते हैं, आपको बता चुका हूं मैं, एल्कोहल में अगर हम बात करें तो या तो अगर H निकलेगा तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा, या फिर पूरा OH निकल जाएगा तो क्या शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। तो समझ लीजिएगा, यानी जो एल्कोहल के ऑक्सीजन है उनका नेचर कैसा है, एल्कोहलिक है। अगर बात करें ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल का जो ऑक्सीजन है उसका नेचर कैसा है, एल्कोहलिक है। अब वो किस बेस पर हम कंफर्म कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। पहला पॉइंट देखिएगा क्या है, कि ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। जरा देखिए, अगर मैं ये कहूं कि कोई ग्लिसरॉल है वो सोडियम के साथ क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। जैसे ग्लिसरॉल का अगर हम फार्मूला देखें, फार्मूला यह है CH2OH, CHOH और CH2OH। अगर बेटा हम सोडियम से इसकी रिएक्शन करा दें तो जरा देखिए, सोडियम से रिएक्शन होगी तो पहले क्या होगा, पहले आपका ये वाला H रिलीज होगा, ठीक है, तो मोनोसोडियम ग्लिसरेट बनेगा
और दूसरे में ये वाला एच रिलीज होगा। मतलब यहां से अगर हम बात करें कि ये सोडियम के साथ कौन सी गैस देता है, ये सोडियम के साथ क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात देखिए कि ये क्लोरीन के साथ HCl गैस देता है। अगर हम बात करें ये क्लोरीन के साथ कौन सी गैस देगा, HCl गैस देगा। और इन दोनों पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि इसका जो फंक्शनल नेचर है ऑक्सीजन का वो कैसा है, एल्कोहलिक है। कैसा है, एल्कोहलिक है। अब तीसरी बात देख लीजिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, बेटा तीसरी है प्रेजेंस ऑफ थ्री OH ग्रुप। इसमें कितने OH ग्रुप होते हैं, तीन OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इनकी कंफर्मेशन के लिए कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम बात करें कि किसी में अगर OH ग्रुप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, तो अगर किसी में OH ग्रुप होता है तो समझ लीजिए वो PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा। अगर किसी के साथ, जैसे कहीं अगर OH ग्रुप है किसी में, मान लीजिए ये OH ग्रुप है, अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन इसकी कराओगे PCl5 के साथ, तो बेटा ये जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप Cl में बदल जाएगा, ये हो जाएगा R Cl, और एक मॉलिक्यूल निकलेगा POCl3 का और एक निकलेगा HCl का। तो जरा देखिए, जब जिसमें एक OH ग्रुप फ्री होगा वो एक PCl5 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक Cl लगा देगा OH की जगह पर। यहां पर जो बात हो रही है कि इसके मॉलिक्यूल में तीन OH ग्रुप होते हैं, कैसे पता लगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें ये PCl5 के तीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, अगर एक OH है तो एक PCl5 से रिएक्शन करेगा, और अगर इसमें कितने मॉलिक्यूल है, तीन OH मॉलिक्यूल है, तीन OH ग्रुप है, तो तीन PCl5 के मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन करेगा और वहां पर क्या बना देगा, Cl ग्रुप लगा देगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां देखिए ये रिएक्शन है, यहां देखिएगा इस रिएक्शन में यही प्रूव किया गया है कि देखिए ये हमारा जो दे रखा है, ये जो दे रखा है ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल, क्या दे रखा है, ग्लिसरॉल दे रखा है। ठीक है, अब यहां की अगर हम बात करें इसकी, अगर हमने PCl5 से रिएक्शन कराए फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से, तो बेटा होगा क्या, ये जो आप OH देख रहे हैं ये OH यहां से हट जाएगा, ये OH यहां से हट जाएगा, और ये वाला OH यहां से हट जाएगा, और जरा देखिए तीनों OH की जगह पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। देखिए ये और क्या निकलना, देखिए यहां तीन PCl5, यहां अगर हमने यहां लिख दिया या यहां लिख दिया, तीन PCl5 से रिएक्शन हो रही है बेटा, क्या निकलेगा, तीन POCl3 निकल जाएंगे और तीन HCl निकल जाएंगे। क्लियर है, तो यहां जो बनेगा ये बनेगा बेटा, क्या नाम होगा इसका, इसका देखिए कॉमन नेम अगर हम बात करें तो ट्राई क्लोरो ग्लिसरेट बन जाएगा, या फिर ये कहे कि 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। क्या बनेगा, 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन ग्लिसरॉल PCl5 से रिएक्शन करेगा, और PCl5 से रिएक्शन OH की जब ही होगी, जब OH फ्री होगा। क्लियर है, अब जरा देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हमें देखना है कि इसमें तीन OH ग्रुप फ्री हैं, तो किससे कराएंगे, तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3COCl, यानी CH3COCl की अगर हम बात करें, CH3COCl का मतलब हो गया बेटा एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर CH3COCl की, बेटा एक OH अगर है तो यहां से देखिए एक OH, इसका एक देखो यहां से H और इसका Cl, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब इसके पास कितने H हैं, एक ये है, एक ये है कि नहीं, तो तीन H यहां से निकलेंगे, इसका मतलब तीन HCl निकल जाएंगे, और यहां देखिए क्या लग जाएगा, CH3CO ग्रुप, ये वाला ग्रुप देखो ऐड हो जाएगा, ये देखिए आप, ये CH3CO ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ग्रुप लग गया एसिटिल, तो ट्राई एसिटिल हो गया ग्लिसरेट। ठीक है, ट्राई एसिटिल ग्लिसरेट कह देंगे या ग्लिसरॉल कह देंगे। क्लियर है, अब जरा देखिए नेक्स्ट, अगर हमें
और प्रूव करना है कि इसमें कितने ओएच ग्रुप होते हैं। तो तीन ओएच ग्रुप होते हैं, कंसंट्रेट एचएनओ थ्री से अगर आप रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, कंसंट्रेट एचएनओ थ्री से। तो बेटा जो एचएनओ थ्री है ये टूटता कैसे, देखिए एचएनओ थ्री इस तरीके से टूटेगा, ओएच और एनओ टू, ये यानी ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन नाइट्रेशन है। ये होती किसकी प्रेजेंस में, ये होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बेटा यहां पर ये जो HNO3 है ये OH देगा, क्या देगा, OH देगा, बोलिए, अरे बोलिए, हा, और क्या निकलेगा, OHH H2O निकल जाएगा और यहां लग जाएगा NO2। देखिए एक दो तीन NO2 लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट हो जाएगा, क्लियर है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि यहां पर कितने, देखिए इन रिएक्शन से क्या क्लियर हो गया, देखो लिखा है अगर रिएक्शंस के आधार पर ये कंफर्म हो जाता है कि ग्लिसरॉल में तीन ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, कितने ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, तीन ओएच ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें बात करनी है नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू वन डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप एंड वन टू डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको प्रूव करने के लिए कह देता है कि प्रूव दैट ग्लिसरॉल में वन डिग्री एल्कोहल कितने होते हैं, दो होते हैं, और टू डिग्री एल्कोहल कितने होते हैं, एक होता है, ये प्रूव करवाता है। जरा देखिए अगर हम यहां की बात करें, ये ग्लिसरॉल है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, कैसे डिग्री पता लगती है, देखिए अगर हम यहां की बात करें कि ये कितने डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, तो यहां अगर हम बात करें यहां पर अगर ये जो OH लगा है जिस कार्बन से, उस कार्बन से और कितने अल्काइल ग्रुप लगे, देखिए यहां एक ही तो लगा है, तो जब एक लगा है तो ये वन डिग्री है। ऐसे यहां अगर हम बात करें एक बॉन्ड से लगा हुआ अल्काइल ग्रुप तो ये वन डिग्री है, मगर इसकी अगर हम बात करें, इस सेंटर की बात करें, तो एक इधर लगा एक इधर लगा, ये कितने डिग्री है, टू डिग्री। तो वो यही तो कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है प्रेजेंस ऑफ टू वन डिग्री एल्कोहल, तो इसमें कितने, दो जो है वो प्राइमरी एल्कोहल है, वन डिग्री का मतलब प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, और एक क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, यानी टू डिग्री एल्कोहल है, क्लियर है। तो ये हम लोगों को अभी एक्सप्लेन करना है, देखिए यहां पर क्या करना है, आप कुछ मत कीजिए, ग्लिसरॉल लीजिए और ग्लिसरॉल की रिएक्शन करा दीजिए, किससे करानी है आपको, डाइल्यूट HNO3 से करानी है, किससे करानी है, डाइल्यूट HNO3 से। अगर आप डाइल्यूट HNO3 से ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्या बनता है, ग्लिसरेल्डिहाइड बनता है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, और ग्लिसरेल्डिहाइड के बाद बनेगा ग्लिसरिक एसिड, क्या बनेगा, ग्लिसरिक एसिड। और अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो ये रिएक्शन फिर से देखिए डाइल्यूट में होता क्या है, डाइल्यूट में अगर हम बात करें तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दोनों ये जो CH2OH वाला ये ग्रुप है ये भी देखो COOH में बदल जाएगा, ठीक है, और ये आप जो नेक्स्ट देख रहे हैं ये वाला भी किसमें बदल जाता है, COOH में। तो आपको मैं बता दूं जो वन डिग्री एल्कोहल होते हैं यानी CH2OH ग्रुप होता है, अगर हम इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पर ये जो CH2OH ग्रुप है पहले CHO में बदलता है और बाद में ये COOH में बदल जाता है। तो जरा देखिए अगर यहां पर ये वन डिग्री ना होता भाई, अगर वन डिग्री ना होता तो क्या ये CH2OH COOH में बदला होता है? अब देखिए ये रिएक्शन देख लीजिएगा जरा एक बार, यहां देखिए CH2OH COOH CH2OH, आपने डाइल्यूट HNO3 लिया, कौन सा लिया, डाइल्यूट HNO3 लिया, तो इसकी प्रेजेंस में पहले क्या होगा, ये जो CH2OH है ये बदल जाएगा पहले तो CHO में और ये हो जाएगा COOH
CH2OH। बेटा इसका नाम क्या है? दिस इज ग्लिसरॉल, है ना, ये ग्लिसरॉल है और ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। अब मैंने आपको बताया क्या, कितना मूल मंत्र है, इतना ही तो है कि अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो पहले CH2OH CHO में बदलेगा। फिर अगर हमने फर्दर करा दिया, दोबारा ऑक्सीडेशन अगर करा दिया और होगा बिल्कुल डाइल्यूट H3 की प्रेजेंस में, दोबारा भी होगा, तो ये जो CHO ग्रुप है ये COOH में बदल जाएगा, और ये COOH और ये CH2OH। बेटा इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्लिसरिक एसिड। क्या है? ग्लिसरिक एसिड। अब देखिए ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकती है, ये देखो इसने 1 डिग्री एल्कोहल एक था पहले, एक को किया, फिर दूसरा 1 डिग्री एल्कोहल है, इसे भी तो करेगा। तो अगर हमने देखो यहां पर एक ऑक्सीजन यहां यूज हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार यहां, अगर हम डायरेक्ट इस रिएक्शन को और आगे प्रोसीड करना चाहें, तो बेटा ये देखो COOH तो ऐसे रहेगा, COOH ऐसे रहेगा, मगर ये दो बार ऑक्सीडेशन कराने पर ये COOH में बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा टार्टोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? टार्टोनिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है ये? देखें इस रिएक्शन से क्या क्लियर हुआ है, देखें इस रिएक्शन से क्या क्लियर हुआ, आप देखिए 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप ऑलवेज ऑक्सीडेशन पर किसमें बदल जाता है? COOH में। मैंने अभी यही तो बताया कि CH2OH ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है, CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल होता है, ये किसमें बदल जाता है? COOH में। आप देखिए ये वाला दूसरे स्टेप में जाके बदला है, ये देखिए ये ठीक है कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद अगर आप देखिए टार्टोनिक एसिड में दो OH ग्रुप की प्रेजेंस है, आप देखिए दो OH ग्रुप आप देख लीजिएगा, आप अगर देखें टार्टोनिक एसिड है इसमें, आप जरा देखिए इसमें दो COOH है, कितने हैं? दो COOH। कैसे पता लगा? देखो एक COOH यहां है, एक COOH यहां है, इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये कंफर्म होता है कि ये ग्लिसरॉल है, इसमें दो एल्कोहलिक ग्रुप हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें अगर हम बात करें एक जो एल्कोहलिक ग्रुप है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, तो याद रखना वो कौन सा था? वो सेकेंडरी था जो डाइल्यूट HNO3 के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया। तो इस पूरी रिएक्शन से ये क्लियर हो गया कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में कितने OH हैं? तीन OH हैं, जिनमें से दो जो एल्कोहलिक हैं वो कौन से हैं? प्राइमरी हैं, और एक जो है वो कौन सा है? सेकेंडरी है। ओके, अब जरा देखिए ये सारे पॉइंट्स हो जाने के बाद हमारा, अभी वैसे हम लोग बीच बीच में स्ट्रक्चर लिखते रहे, जबकि हम लोगों का जो टास्क है वो ये नहीं होना चाहिए, जब भी हम किसी का स्ट्रक्चर करते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखना चाहिए, लास्ट में हम फाइनल स्टेप देते हैं। पहली देखिए मैंने आपको पहला जो पॉइंट बताया था, वो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट किसी का भी जब स्ट्रक्चर करें तो मॉलिकुलर फार्मूला देखें। क्या देखें? मॉलिकुलर फार्मूला। और जो लास्ट पॉइंट आएगा जाके, जो लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट क्या होगा? लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो होगा कंफर्मेशन बाय सिंथेसिस। और सेकेंड लास्ट जो होगा, सेकेंड लास्ट क्या होगा? अगर हम सेकेंड लास्ट की बात करें, सेकेंड लास्ट में पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉसिबल स्ट्रक्चर की, हाँ, कि इसकी कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो जरा देखिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर की। आप देखें यहां लिख रखा है पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल की कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी इन पॉइंट्स के आधार पर। तो जितने पॉइंट्स हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर एक स्ट्रक्चर आई है इसकी पॉसिबल, वो कौन सी है? वो ये स्ट्रक्चर है। देखिएगा इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहां आप देखिए कुल मिला के यहां पर देखो 1, 2, 3 कार्बन है, हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें तीन ऑक्सीजन है, तो देखिए तीन ऑक्सीजन है, और ये पढ़ा कि तीन ऑक्सीजन नहीं, तीन ऑक्सीजन जो है वो एल्कोहलिक है, मतलब तीन OH है, ये भी पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें जो एक कार्बन है वो 2 डिग्री है, ये देखिए ये 2 डिग्री है, और दो जो है वो क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है? तो इतने पॉइंट्स के आधार पर हम लोगों ने ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर दी है, ये इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, और ग्लिसरॉल की यही स्ट्रक्चर होती है।
क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट जो पॉइंट होता है, मैंने आपसे कहा था किसी भी कंपाउंड की हमें स्ट्रक्चर अगर करनी है, एक्सप्लेन करनी है, तो पहला पॉइंट तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और जो आखिरी पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा कंफर्मेशन बाय सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस के द्वारा हमें कंफर्मेशन कराना है। किसके द्वारा कंफर्मेशन कराना है, सिंथेसिस के द्वारा कंफर्मेशन कराना है। तो जरा देखिए, सिंथेसिस करा लेते हैं। अब सिंथेसिस की अगर बात करें बेटा, देखो प्रोपेन से ग्लिसरॉल का हम फॉर्मेशन करेंगे, किससे करेंगे, प्रोपीन से। यहां प्रोपीन लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, प्रोपीन है ना कि प्रोपेन, प्रोपीन है। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो ये प्रोपीन है बेटा, क्या है ये, प्रोपीन, ठीक। अब जरा देखिए, प्रोपीन है, अगर हम बात करें यहां पर, तो प्रोपीन में अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको याद हो, मैंने हम लोगों ने जो ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन पढ़ा था, उसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ऑयल या फैट की हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे एल्कोलाइन, और दूसरा प्रोपीन से की थी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सीएल टू को हम लेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर, या सीएल टू को सनलाइट के प्रेजेंस में लेंगे, तो जो अलाइलिक कार्बन होता है ये वाला, यहां पर क्लोरीनेशन होगा। देखिए, एक एच हटेगा यहां से, एक सीएल, एच सीएल निकल जाएगा, और यहां सीएल लग जाएगा। देखिए, सीएच थ्री हमारा सीएच टू सीएल में चेंज हो गया ये, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा। अब क्या होगा, अब बेटा एक्वस एनओएच से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, एक्वस एनओएच से रिएक्शन कराएंगे। तो एक्वस एनओएच क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, सीएल की जगह पर ओएच लगा देता है। देखिए, यहां ओएच लग गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन कराएंगे, एच ओ सी एल लिखें या एच सी एल ओ लिखें, बात एक ही है, मगर एच ओ सी एल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये टूटेगा ओ एच और सी एल में, ठीक है। अब यहां पर देखिए, कहां पर रिएक्शन होने वाली है, अब रिएक्शन होने वाली है यहां पर, होगा क्या, यहां पर रिएक्शन अगर हम देखें तो ओ एच निगेटिव, ओ एच और सी एल की बात करें, ओ एच निगेटिव सी एल पॉजिटिव बनेगा, और यहां अगर हम देखें बॉन्ड शिफ्टिंग की, तो ये शिफ्टिंग इस तरीके से कहीं होगी, ये निगेटिव यहां पॉजिटिव, तो यहां जाकर ये लग जाएगा, एक तरह क्या लगेगा, एक जगह पे लगेगा सीएल, देखो यहां सीएल लगा है, और एक जगह लग गया ओएच। अब क्या करेंगे, हमारा देखिए काम कितना हो चुका है, हमें क्या चाहिए, ग्लिसरॉल चाहिए, हमें चाहिए सीएच टू ओएच, सीएच ओएच और सीएच टू ओएच, जबकि हमारे पास इस स्ट्रक्चर में देखो एक ओएच यहां लग चुका है, एक यहां, यहां सीएल बचा है, इस सीएल को हटाना है, ओएच लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्वस एनओएच से फिर से रिएक्शन करा देंगे। जब एक्वस एनओएच से रिएक्शन होगी, देखिए जब एक्वस एनओएच से रिएक्शन होगी, तो ये वाला जो सीएल है आप जो देख रहे हैं, ये वाला सीएल यहां से हट जाएगा, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, ओएच आ जाएगा, और ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, दिस इज ग्लिसरॉल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ग्लिसरॉल कहें इसे या ग्लिसरीन कहें, बात एक ही होती है बेटा, ठीक है, तो क्लियर है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपको मैंने बताया सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम लोग और पॉइंट्स उसमें पढ़ते हैं, और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो होता है कंफर्मेशन बाय सिंथेसिस। तो हम प्रोपीन से बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं, प्रोपीन से बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी, एग्जाम में आना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, थैंक यू।